तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। या कस्टम फॉर्मेटिंग के हमारी लास्ट क्लास है, इसमें हम एक जो आर्टिकल है माइक्रोसॉफ्ट का उसको रेफरेंस में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस आर्टिकल्स में यहां देखिए क्या है, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और टैक्स दिया हुआ है। तो क्या है ए, इसको पहले आप समझते हैं। तो जैसे कि कोई एक्सेल फाइल पे हम लेते हैं, हमने नंबर टाइप कर दिया, राइट। जी तो इसमें कितने तरह की वैल्यू हो सकते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो या टेक्स्ट। जी तो यहां यही बताया गया है कस्टम फॉर्मेटिंग में कि अगर मैं यहाँ पे एमआरपी, मान लीजिए कि मैंने लिख दिया एमआरपी, तो एक पॉजिटिव जो भी नंबर्स होंगे पॉजिटिव को शो करेगा। अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव को भी नेगेटिव का साइन देके एमआरपी ही दिखेगा। लेकिन मुझे नेगेटिव के लिए कुछ और चाहिए, जैसे नेगेटिव के लिए चाहिए डिस्काउंट, तो इसका सेपरेटर, जैसे फॉर्मूला का सेपरेटर कॉमा होता है, ऐसे इसका सेपरेटर होता है सेमी कॉलम। तो जी सेमी कॉलम करके यहाँ पे मैंने दे दिया डिस्काउंट के लिए कि नेगेटिव हो तो डिस्काउंट हो। जी और यहाँ पे अब बात कर रहे हैं कि अगर जीरो हो तो फ्री शो हो और टैक्स हो तो टैक्स की जगह पे हमने बोल दिया डब्ल्यू आर टी, ट्रेड फॉर रिटेल टैक्स, या कुछ ऐसे ही मान लीजिए ना। तो अब क्या जी होगा कि अगर मैं नंबर डालूं तो एमआरपी शो करेगा, माइनस में नंबर डालूं तो डिस्काउंट शो करेगा, जीरो डालूं तो फ्री शो करूंगा, कोई टेक्स्ट डाल दिया तो डब्ल्यू आर टी शो करेगा। लेकिन इसमें इसका आपका वैल्यू शो नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसके आगे हैश या कॉमा कुछ नहीं लगाया, हैश या जीरो, सॉरी। तो आप यहाँ पे हैश और जीरो लगा दीजिए ताकि आपका यहाँ पे शो। और याद रखिएगा इसके लिए एट द रेट लगता है टेक्स्ट के लिए। अब मैं नंबर शो करूंगा तो एमआरपी आ जाएगी, माइनस में शो करूंगा तो डिस्काउंट, जीरो करूंगा तो फ्री, और कोई टेक्स्ट कर दिया तो डब्ल्यू आर। ओके, जी तो ये चीज यही शो क्या ये बताया गया। अब इसमें एक चीज और भी है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि अगर वो मान लीजिए कि ब्लू हो जाए, रेड हो जाए, जैसे मैं चाहता हूँ कि फ्री वाला डिस्काउंट हमारा रेड हो जाए और एमआरपी हमारा ब्लू हो जाए, मान लीजिए। जी इसी के ऊपर हम यहाँ पे एमआरपी से पहले ब्लू लगाएंगे बड़ी ब्रैकेट, ओके, जी और डिस्काउंट से पहले हम देंगे रेड बड़े बड़े, और कुछ नहीं करना। तो जैसे हमें दिया तो ब्लू हो गया, माइनस नहीं किया तो रेड हो गया। जी कलर भी दे सकते हैं, लेकिन कलर हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में दीजिएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत पड़ती है, राइट। जी यहाँ पे इतने सारे सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को इन्वर्टेड कॉमा के लिए जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे लिखा हुआ ना, फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर डिस्प्ले विदाउट यूज ऑफ द कोटेशन मार्क। जैसे मान लीजिए कि मुझे सिंगल कोट देना है, तो जैसे कि यहाँ पे 5 इंच एंड 3 सेंटीमीटर के लिए हम लिखते हैं इस तरह से, ओके, जी नहीं, हाँ। तो मैं यहाँ पे अगर 6 9 लिख दूँ तो उसी तरह से आना चाहिए कस्टम। हमने यहाँ पे 0 दिया कॉलम, डबल सॉरी 1 0 देके डबल कोटेशन, डबल कोट, इसके लिए हमने कोई कोटेशन मार्क नहीं दिया। इसकी जगह हम लोग हेज भी कर सकते थे, क्या हेज भी कर सकते थे।
इसमें आप यहाँ पे दिया गया है कि एट द रेट होता है हमारा किसके लिए, टेक्स्ट के लिए होता है, टेक्स्ट के लिए। स्पेस वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिपीटेड कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। रिपीटेड कैरेक्टर मतलब टेक्स्ट जो कि हम लोग चेक मैंने एक बार चेक प्रिंटिंग का बनाया था, तो ये जगह खाली दिख रहा है, मैं चाहते जगह खाली हो उस पर स्टार मिल जाए क्या। तो कस्टम में हमने यहाँ पे दिया एट द रेट स्टार और स्टार, लास्ट लास्ट स्टार विजुअल हो, और जैसे कॉलम की साइज बढ़ेगी वो बढ़ जाएगा, छोटा होगा छोटा हो जाएगा। ये चीज यही चीज बता रहा है यहाँ पे कि इसने जीरो स्टार और डैश दे दिया यहाँ पे, तो डैश दिखेगा, फिल हो जाएगा डैश। ओके, बाकी डेसिमल प्लेसेस के बारे में तो आप जानते ही हैं कि डॉट लगाने के बाद डेसिमल लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन मार्क होता है कि आपको नहीं पता कि क्या होगा, आप जो बोलना चाहते जैसा हो वैसा ही दिख जाए, और इसी के कुछ एग्जांपल इसने आपको दिया होगा, अब उसको अप्लाई करके देखिए। थाउजेंड सेपरेटर में कल रात में डिस्कस किया ही था, कल कलर जो मैंने अभी आपको बताया, तो कलर में आप इतना ही कलर डाल सकते हैं, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, मजेंटा, शान, येलो एंड रेड, इसके अलावा कोई और कलर नहीं डाल सकते, लेकिन इसका कंडीशनल कलर डाल सकते हैं। जैसे यहां देखिए कि मैं चाहता हूं कॉलम एच के अंदर में कंडीशन लगा, देखिए कंडीशन लगा दिया कि रेड कब हो, जब लेस देन इक्वल टू 100 हो, और ब्लू कब हो, ग्रेटर देन 100 हो। इस तरह के कंडीशंस आप कर सकते हैं। अब मैं यहां पे अगर 50 दिया तो रेड हो जाएगा, और 500 किया तो ब्लू हो जाएगा। साथ में यहां लिखा हुआ है कि टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेट टू सेल, फॉर एग्जांपल कलर शेडिंग दैट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द सेल ऑन द होम टैब इन द स्टाइल ग्रुप क्लिक ऑन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसके लिए डिटेल्स में करने के लिए हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉपिक है, उस पर कर सकते हैं जी। अब इसका एक और चीज आता है कि जैसे कि इस तरह के करेक्टर अगर टाइप करना हो तो नंबर कीपैड ऑल्ट के साथ आप देखेंगे तो इस तरह के करेक्टर टाइप हो, जैसे कि मान लीजिए मुझे ए चाहिए, तो यहाँ पे ऑल्ट 0128 है, तो मैं कीबोर्ड का पे जाऊंगा ऑल्ट 0128 और फिर अल्ट को छोड़ूंगा हटाऊंगा दिया जाए, तो अल्ट के साथ कीजिएगा, अल्ट प्रेस रखिए और 0128 आ गया। इस तरह के सिंबल्स आएंगे, और बहुत डिटेल और ज्यादा सिंबल्स की जरूरत है तो इंसर्ट में आपके पास सिंबल्स होता है, यहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है, यहां से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ बाकी सब ठीक है, और डेट्स पर तो मैंने बता ही दिया था कल, डेट एंड टाइम में कुछ खास है नहीं, बाकी आर्टिकल्स में जो था मैंने बता दिया, अच्छा लगा। अब एक प्रोजेक्ट हम साथ करते हैं, देखिए इसका यूज हम लोग करते थे एक प्रिंटआउट निकालने के लिए, बेसिकली हमें हर मंथ एडमिन में जो काम करता था, एडमिन में था, तो हर मंथ मुझे एचआर को एक डेटा भेजना होता था प्रिंट आउट में भी साइन करके, ठीक है, ये तो करता ही था, पर उसकी प्रिंट आउट और सिग्नेचर भी होता था अप्रूवल इसके लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। वो क्या होता था, अटेंडेंस होता था इसका, स्टाफ का, तो स्टाफ का अटेंडेंस वो तो मैनेज करती थी, लेकिन क्या था कि हमें भी मैनेज करना होता था, तो हमें बताना होता था बायोमेट्रिक एक्सेस कार्ड यहां पे, तो हम यहां पर रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाते हैं 02, हम यहां पे बैंक देते हैं। आप ऑफिस जाते हैं तो अपने एक्सेस कार्ड को पंच करते हैं डूर ओपन करने के लिए,
जी तो इस तरह का डेटा हमारा आता था। इसमें क्या था कि जो नंबर्स हैं, मतलब कि उसने उतना बार एक्सेस कार्ड को पंच किया है, जैसे कि जी ऑफिस से बाहर निकले, फिर अंदर गए, फिर बाहर निकले, फिर अंदर गए, तो इतना बार आपने ऑफिस के कार्ड को पंच किया, राइट? जी जिसमें जीरो है मतलब कि ऑब्सेंट है, तो मुझे नंबर्स को प्रेजेंट और जीरो को ऑब्सेंट करना होता। तो हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करते थे और राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, कस्टम, और यहां पे हम चले तो टी लिखते थे फॉर द प्रेजेंट। ओके सर, जी फिर हम यहाँ पे सेमी कॉलम देते थे। अब इन दूसरा पोजीशन तो नेगेटिव का है, बट नेगेटिव तो है नहीं हम इस डेटा में, तो इसको जी ऐसे ही स्किप कर देते हैं, एक और सेमी कोलन डाल देते हैं और जीरो पे यहाँ अपसेंड, फिर यहाँ एंटर प्रेस करते हैं, फिर इसकी प्रिंट आउट निकाल के हम अपने साइट पे कर देते थे। इस पे इससे पहले, मुझसे पहले जो काम करता था वो इफ वगैरह का कमांड लगाता था। इफ वगैरह कमांड हम तब लगाएंगे जब इसके ऊपर हमें कोई कैलकुलेशन करनी होगी ना तब, बट यहां कैलकुलेशन जी नहीं करनी है ना। करेक्ट। इसमें लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू भी देने से हो जाएगा ना। उसे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चीज और कहाँ कहाँ यूज हो सकती है? बोला बोला था ये चीज और कहाँ कहाँ यूज हो सकती है? जैसे ये आपने बताया प्रेजेंट एब्सेंट वाला, और इसे गोपी हुई है, मतलब कि नहीं समझे कि नेगेटिव और पॉजिटिव को अलग अलग शो में शो करना है आपको, उस केस में से यूज करते हैं। समझ गए जी मेरे को डाउट इसमें? नो तो यहां पे हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग खत्म होता है।